10 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े नक्सली हमले झीरम हत्याकांड का सच अब तक बाहर नहीं आया है। राजनीति की भेंट चढ़े झीरम हत्याकांड पर जबानी जमाखर्च तो बहुत हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ तो सही तरीके से एक अदद जांच। ग्यारह साल बीता दशक, कब मिटेगी कसर? राजनीति लाजवाब, कब मिलेगा जवाब? छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लोग जुड़े हुए लगते हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ा कोई आदमी पूरी जांच नहीं कर पाएगा। ये सरकार वो सरकार, जारी है इंसाफ का इंतजार। 25 मई 2013 कहने को ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक दिन है, बाकी के 364 दिनों की तरह, लेकिन छत्तीसगढ़ और देश के लिए ये दिन किसी दाग की तरह है। जबरन जांच पर आमादा जांच एजेंसियों और विश्व गुरु के मुहाने पर खड़े मुल्क को नहीं पता कि ठीक 11 साल पहले छत्तीसगढ़ और देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, जिसमें दिग्गज कांग्रेस नेता नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार जैसी लगभग पूरी कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेताओं के साथ साथ बाकी लोगों की हत्या कर दी गई। पहले 5 साल में भाजपा ने जुबानी जमा खर्च किया, इसके बाद कांग्रेस की 5 साल की सरकार में जेब में रखा सबूत जमीन तक नहीं आ पाया और ये नरसंहार मुंह उठाए सबसे बड़ी जमहूरियत को चिढ़ा रहा है। भाजपा तो इस पे आरोपित होती रही है, उसकी सरकार के रहते ये घटना हुई थी, तो उसका जांच से बचना समझ में आता है, लेकिन 5 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही, उसने कितने गंभीर प्रयास किए और क्यों हम तथ्य असलियत तक नहीं पहुंचे, इस पे भी सवालिया निशान है। ये मामला इतना गहरा और बड़ा है कि इसमें छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लोग जुड़े हुए लगते हैं, तो इसमें छत्तीसगढ़ से जुड़ा कोई आदमी पूरी जांच नहीं कर पाएगा। हत्याकांड की जांच 2 दिन बाद ही 27 मई 2023 को एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने 24 सितंबर 2014 को विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें 9 गिरफ्तार नक्सलियों समेत 39 को हत्याकांड का आरोपी बताया गया। इसके बाद 28 सितंबर 2015 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा की गई। इसमें 88 और आरोपियों को शामिल किया गया। चार्जशीट कोर्ट में जमा की गई, बयानों के तीर चलने लगे। अधूरी जांच, राजनीतिक दबाव, नक्सली लीडर्स को बचाने जैसे गंभीर आरोप लगे। कांग्रेस के द्वारा और उनके नेता के द्वारा ये बात बार बार कही जा रही थी कि झीरम की जो घटना की गवाही साक्ष्य है मेरे जेब के अंदर में और मेरी सुरक्षा कौन देंगे, लेकिन जिस पोस्ट पे रहकर के सुरक्षा दूसरे को प्रदान करते हैं ऐसे समय में भी उनके जेब से ये साक्ष्य नहीं निकला। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया गया, जिसे खोजना था कि क्या सुरक्षा में चूक हुई थी। जस्टिस मिश्रा प्रमोशन पाकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की गई जो कांग्रेस के गले नहीं उतरी। कांग्रेस ने इसे अधूरा बताया और सार्वजनिक भी नहीं किया। अलबत्ता जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और रिटायर्ड जज मिन्हाजुद्दीन की 2 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। इसके खिलाफ भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट पहुंच गए। इस पर अब तक स्थगन मिला हुआ है। फिल्म होती तो सनी देओल जज साहब से पूछ भी लेता कि तारीख पर तारीख, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदार ही नहीं चाहते कि सच बाहर आए। उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर।